हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:15 बज रहे हैं और जस्ट अभी हम सो के जगे हैं। ब्रश वगैरह हमने कर लिया है, चलते हैं हम चाय बना लेते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। वैसे पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अभी लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली हूँ, तो अभी मॉर्निंग की स्टडी हम रूम पे ही करेंगे, उसके बाद निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। तो चलिए, ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी कैसी बनाई है, क्योंकि अभी एग्जाम जो है वो थोड़ा सा प्लान हमने चेंज कर दिया है। आरओ की वैकेंसी हो सकता है कि अभी एक दो महीने लेट हो जाए, या जब भी आएगी वैकेंसी उसके लिए प्रिपरेशन काफी दिनों से चल रही है। और जो बिहार का सिलेबस है वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, जो स्पेशल बिहार वाला पोर्शन है वो अलग से प्रिपेयर करना है, बाकी तो वही जीएस आने हैं, वही मैथ, वही रीजनिंग, तो कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है बिहार के सिलेबस में। तो उसी हिसाब से हम अपना शेड्यूल बनाए हुए हैं कि हमारा दोनों सिलेबस कवर हो के साथ में चले। तो चलिए, आप लोगों के साथ अब डे टू डे हम शेयर करेंगे। लगभग 27 डेज बचे हुए हैं हमारे एग्जाम में, तो 27 डेज की हमारी क्या प्लानिंग होगी वो डे टू डे आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, स्पेशली आरओ एआरओ और बिहार की जो टीचिंग की वैकेंसी आई है उसके लिए, या फिर अगर यूपी के सुपर टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके से रिलेटेड भी आपके जो भी कमेंट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई जरूर आपको कर दूंगी। तो चलिए, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें लड़कियों को लेकर हुई, और सिर्फ सोशल मीडिया में ही नहीं हुई है। गांव गई थी मैं अभी, तो गांव में ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि लड़कियों को पढ़ाओगे तो ऐसे कर देंगी, वैसे कर देंगी, इसी वजह से लड़कियों को शहर नहीं भेजना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। तो पता नहीं क्यों ऐसा, ये ह्यूमन नेचर है कि अच्छाइयों पे जल्दी लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन एक कुछ गलत हो जाता है तो उस पर सबका ध्यान चला जाता है और उसके लिए सबके पास टाइम हो जाता है बैठ के डिस्कस करने का। तो बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि ज्योति मौर्य वाला केस चल रहा है। हालांकि अभी ये जो पाकिस्तान से आई है लेडी इंडिया और इंडिया से जो लेडी पाकिस्तान गई है, इन सबके बीच में थोड़ी सी खबरें डाइवर्ट हुई है, थोड़ा सा ज्योति मौर्य का मुद्दा शांत हुआ है, नहीं तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ज्योति मौर्य के बारे में बात हो रही थी, नेशनल मीडिया भी बात कर रही थी। तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, खास करके जो लड़कियां गांव से बिलोंग करती हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। खैर, ये समाज है तो यहाँ कुछ अच्छी भी चीजें होंगी, कुछ बुरी भी चीजें होंगी, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के किस तरीके से लोग उसको ले रहे हैं। बाकी तो मणिपुर वाली जो घटना हुई उससे क्या पूरे समाज को नॉर्मलाइज कर दिया जाए वो सही होगा, तो वैसे ही है। किसी एक इंसान ने गलती किया है तो उससे सबको कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है, और ऐसा नहीं कि हर लड़की पढ़ के वही करेगी जो ज्योति मौर्य ने किया है। तो ये समाज में बहुत ही एक नेगेटिव मैसेज गया है। और हम नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ते में हमने चाय बना लिया है और रोटी हमने ले लिया है, क्योंकि सुबह सुबह मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता है, लेकिन जब रूम पे नहीं रहो तो कुछ ना कुछ खा के निकलना ही पड़ता है, तो इसी वजह से रात में हम एक्स्ट्रा रोटी बना देते हैं। तो अभी हम नाश्ता कर लिए हैं, नाश्ता करने के बाद हम सबसे पहले करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, और बीच में हम कुछ रीजन की वजह से ईयरली मैगजीन कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन अभी वापस से हम मंथली मैगजीन पे आ गए हैं, और अभी मैं घटना चक्र से कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि इसकी लैंग्वेज मुझे काफी अच्छी लगती है। और अभी मैं अपना टू डू लिस्ट बना लूंगी, जो कि व्हाइट बोर्ड है छोटा सा मेरे पास, उसी पे मैं बना रही हूँ। तो प्लाई बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड नहीं है, लेकिन व्हाइट बोर्ड की तरह काम करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने टू डू लिस्ट बना लिया है और उसके बाद हम कंप्लीट कर रहे हैं करेंट अफेयर्स। इसकी लैंग्वेज बहुत इजी होती है और ये काफी स्पेसियस मैगजीन है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि एकदम ऐसे लिखा है कि इसमें आप कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट नोट करना चाहते हैं तो आप इसी में नोट कर सकते हैं, तो इस वजह से अलग से नोट्स प्रिपेयर करने की उतनी झंझट नहीं रहती है। आप इसी में नोट्स करते जाइए, साथ में अंडरलाइन करते जाइए, और मंथ के लास्ट में रिवीजन करके एक पेज में इसको समेट लीजिए। एक पेज में जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उसको लिख लेंगे तो ये रहेगा कि एग्जाम के टाइम में रिवीजन करना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि अगर आप एक साल की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो एक साल की मैगजीन एग्जाम के टाइम में रिवाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए नोट्स प्रिपेयर करना जरूरी होता है। तो जो बिहार का पेपर होने वाला है उसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ बिहार का करंट से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए हमें बिहार का करंट अलग से कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे वहां के जो पहले से सिलेक्टेड लोग हैं जो कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, क्योंकि टीचिंग का एग्जाम तो फर्स्ट टाइम वहां पर भी हो रहा है लेकिन बीपीएससी ही करा रही है। तो आयोग का क्या होता है, एक अपना पैटर्न होता है काम करने का कि नहीं ये वाला आयोग है तो इस तरीके से काम करेगा,
तो मैंने कुछ इंटरव्यू देखे, उसमें पता चला कि वो हिस्ट्री से भी जो क्वेश्चन पूछते हैं या जियोग्राफी से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ज्यादातर बिहार से रिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो भी हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा बिहार पे फोकस्ड होकर पढ़ना है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी जो हमें कम्प्लीट करना है वो बिहार पे फोकस्ड होकर कम्प्लीट करना है। तो अभी हमने करंट अफेयर्स कम्प्लीट कर लिया, और करंट अफेयर्स कम्प्लीट करने के बाद हम जियोग्राफी कम्प्लीट कर रहे हैं, जो कि पहले भी मैंने पढ़ा है। और जब मेरा 69,000 का पेपर होना था उस टाइम पे भी इसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़े थे जो कि मुझे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लगा था। तो अभी मैं इसी से कम्प्लीट कर रही हूँ। कुछ फैक्ट होते हैं जिन्हें याद करना बहुत जरूरी होता है, मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी उसी में होती है क्योंकि याद करने में थोड़ी सी मैं आलसी हूँ, नहीं मन करता है मुझे याद करने का, और याद करने वाला पोर्शन इसमें थोड़ा सा ज्यादा है तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितनी याद करने वाली चीजें हैं उसको मॉर्निंग शिफ्ट में कम्प्लीट कर लूँ, क्योंकि जो मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है उसको मैं मॉर्निंग में रखती हूँ, क्योंकि सो के जगने के बाद थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होता है और अच्छी फीलिंग रहती है, थोड़ा फ्रेश फील होता है। तो इस वजह से पहले मैं मैथ रखा करती थी, लेकिन अब मैथ से भी ज्यादा डिफिकल्ट मुझे ये लगता है कि जैसे आपकी झीलें हो गई, पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, आपके जो विविध वर्ष से क्वेश्चन आते हैं वो हो गए। और एक प्रेशर ये भी है कि जो बिहार के बच्चे हैं उनकी प्रिपरेशन काफी टाइम से चल रही है और हम लोगों को बहुत बाद में अलाउ किया है, तो इस वजह से थोड़ी सी हम लोग पीछे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो हम लोग भी अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि सिलेबस को बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया गया है तो इस वजह से सिलेबस में बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछेगा। तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम लोग बीपीएससी का पेपर उठा के देखें और उससे आइडिया लें, क्योंकि दो ही माध्यम होता है, पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपके पास नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको उठा के देखें, उससे कुछ आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है आयोग। तो अभी ब्लॉग को हम यहीं पेंड करते हैं और अभी हम लाइब्रेरी में पहुंच चुके हैं, वीडियो बहुत अच्छे से शूट नहीं हो पाई है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।